ऐसी सैंपलिंग किस काम की, दिवाली से 20 दिन पहले खाद्य पदार्थों के 170 नमूने लिए, जांच एक की भी नहीं। त्योहारों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें मिलावट खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए ऐसे मैदान में उतरती है कि बस अब लोगों को सब कुछ शुद्ध ही मिलेगा और मिलावटखोरों की खैर नहीं। अगर इस अभियान के दूसरे पहलू को देखें तो ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि किसी भी सैंपल की ना तो जांच हुई है और ना ही किसी भी एक सैंपल को मिलावटखोरी घोषित किया गया है। अगर पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रही। अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक दूध, मावा, पनीर, मिठाइयाँ, आटा, बेसन समेत अन्य खाद्य पदार्थों के 877 सैंपल लिए गए थे। इसमें से 200 को अनसेफ की श्रेणी में डाला गया था, जबकि 583 सैंपलों की जांच ही नहीं हुई। जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग में चिकित्सा विभाग की ओर से दिवाली के दिन 20 दिन पहले से खाद्य वस्तुओं व मिठाइयों में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया। चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार नमूने लेती रही, लेकिन एक भी सैंपल की जांच नहीं हो पाई। जांच नहीं होने से सैंपल का परिणाम मिलावटी घोषित नहीं किया गया। स्वास्थ्य निरीक्षकों की 6 टीमों ने 20 दिन में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 170 से अधिक नमूने लिए। स्वास्थ्य निरीक्षक श्याम सुंदर, वीरेंद्र कुमार, नरेश कुमार की टीम, स्वास्थ्य निरीक्षक विनोद थारवान, संदीप अग्रवाल, दीपक सिंधी की टीम ने सैंपलिंग की। एडीएम चतुर्थ अशोक कुमार का कहना है कि अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों के लिए गए जांच की एडीएम चतुर्थ अशोक कुमार का कहना है कि अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों के लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। सैंपल की जांच रिपोर्ट लेकर मिलावटी रिपोर्ट मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोनों सीएमएचओ को जल्दी से जल्दी सैंपल की जांच कर भेजने के लिए पाबंद किया जाएगा।